Assalamualaikum, welcome to my channel and welcome to my new vlog। तो आज मैं जा रही हूँ बाहर, मैं जा रही हूँ किचन के लिए कुछ लेने, मतलब कि किचन के लिए छोटा मोटा सा कुछ सामान लेंगे। और अभी जो है ना, मैं इसके डैडी के साथ बुलेट पे बैठी हूँ और सारा को ना उसकी बड़ी अम्मी के वहाँ छोड़े हमने। और अभी हमारे साथ जोहान है और मेरी जो भाभी है सेकंड नंबर के, उनका बेटा है। जोहान और जयान दोनों सेम एज के हैं, जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में भी आपसे शेयर की थी इस बात को, मतलब कि दोनों में सिर्फ 25 दिन का ही फ़र्क है, वरना दोनों की एज सेम है। तो वो घर पे है, तो फिर हमने सोचा कि चले जयान को भी ले लेते हैं। इसका नाम जयान है मेरे भाभी के लड़के का, और जोहान यानी कि जयान जोहान, और दोनों जो है ना बिल्कुल सेम लग रहे थे, देखिए आप। और अभी हम लोग आए हैं मॉल, जहाँ पर किचन का आइटम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसके डैडी ने ना ऐसे ही देखे थे, मतलब कि दोस्त के साथ वो आए थे यहाँ पर, तो कुछ काम से आए थे, मतलब कि इनको कुछ लेना था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर किचन के बहुत सारे यूनिक यूनिक चीज़ें हैं, तो उन्हें पता है कि हिना को ये सब लेना बहुत अच्छा लगता है और मैं लेती भी हूँ। तो ना यहाँ पर कुछ काम से आए थे, तो उन्होंने बस ऐसे ही देखे, एक नज़र मारे तो उनको अच्छे लगे, तो उन्होंने सोचे थे कि मैं हिना को यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो दो दिन पहले ही उन्होंने मुझे बोला था और फिर तीसरे दिन माशाल्लाह उन्होंने मुझे शॉप पर लेकर आया। तो मुझे ना यहाँ पर वीडियो बनाने अनकम्फर्टेबल लग रहा था, शर्म बहुत आती मुझे बाहर वीडियो बनाने में, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे व्यूअर्स से मैं शेयर करूँगी कि मैंने चीज़ें कहाँ से ख़रीदी। तो अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। कितनी सारी चीज़ें तो मैं ऑनलाइन देखती हूँ, ऑनलाइन मैंने मंगवाया भी है, और कुछ कुछ चीज़ें तो मेरे पास सेम है भी, मेरे पास घर में मैंने ऑनलाइन मंगाया, कुछ मैंने ऐसी आसपास की शॉप से ख़रीदे। लेकिन यहाँ पर इतना सारा था ना, इतना सारा सामान, ये चीज़ें एक से एक थी ना, क्या ही बताओ। बच्चों के खिलौने से लेके कपड़ों से लेके किचन आइटम खाने पीने की सब कुछ था, ऑलराउंडर थी। तो मिनी मॉल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये बहुत बड़ा है और न्यू है, न्यू ब्रांड है इसका। तो यहाँ पर गर्दी भी बहुत थी, बहुत से लोग थे और सब जो है सामान बैग भर भर के लेके जा रहे थे, मतलब कि उन्होंने ट्रॉली जो रहती है वो एकदम सबकी फुल हो रही थी। और फिर मैंने भी लिया, भाई मैंने तो कोई एक्स्ट्रा तो नहीं ली, जो मुझे चाहिए थे वही लिए, ज़रूरत की चीज़ें लिए मैंने। यहाँ पर घड़ी भी बहुत अच्छी थी, वॉच, वॉल वॉच बहुत अच्छी थी, बट हम लोग ने अभी जस्ट लिविंग रूम में लगाने के लिए न्यू ली है, तो फिर मैंने इसके डैडी को मना किया, नहीं तो उनका इरादा पूरा था कि एक वॉच लेते। मुझे बोल रहे थे कि जो हमने लगाई है लिविंग रूम में यानी कि हॉल में जो वॉच लगी है उसे हम बेडरूम में लगा देंगे और हॉल के लिए न्यू लेते और भी बड़ी लेते। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अच्छी है जो लाए थे तुम, वो भी बहुत अच्छी है, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो बस फिर हमने क्या किया कि जल्दी जल्दी से जो चाहिए थे वो ले लिए, और ये दोनों भी बीच बीच में बहुत सता रहे थे, जयान जोहान, और इन्होंने भी इनके लिए टॉयज़ लिए। और ये देखिए कैप दोनों ने सेम लिए और दोनों सेम लग रहे थे, कितने लोग तो मुझे वहाँ पर पूछ रहे थे ये दोनों ट्विंस है क्या। अच्छा अभी हम लोग है ना ऑटो से जा रहे हैं, क्योंकि सामान ज़्यादा था, बच्चे भी थे, इसलिए हम लोग ऑटो से आए घर पर। और बस अभी सोचा कि चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से व्लॉग को आगे तक कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं ना सुबह में आपसे शेयर करूँगी, तो फिर मैंने वही सामान आपसे शेयर करनी है। और अभी 12 बजे का टाइम है, मतलब कि रात के 12 बज रहे हैं। तो मैंने ना सारा के लिए हेयर बैंड लिए और मैंने इसके लिए टिफ़िन बॉक्स भी लिया, स्कूल जाती है ना तो उसको एक से दो चाहिए, उसके पास एक था तो मैंने एक और ले लिया। और ये है पिगी बैंक, उसके पास पहले भी ये पिगी बैंक था, उसके पास पहले भी पिंक कलर का था, लेकिन वो ना ऐसा थोड़ा और बड़ा था और चौड़ा भी बहुत था, मतलब कि ब्रॉड बहुत था। तो इस बार हम लोग ने ना ऐसा लिए और इसको छोटा सा लॉक भी लगा हुआ है, वैसे पहले वाले को भी था और इसको भी लॉक है, तो सेम है। और ये जोहान की पसंद का कंपास बॉक्स, स्पाइडरमैन बना हुआ है ना, मेरे बेटे को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है,
अच्छा नेक्स्ट डे ये लाइजॉन मेरा घर का ख़त्म हो गया, तो फिर दिखा तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं लाइजॉन भी। और ये है प्यारा सा स्पून, ये देखिए ये सिंगल है, एक ही लिया है मैंने गोल्डन एंड ब्लैक कलर का। इससे ना स्पाइसी मसाले निकाले, रेसिपी शेयर करूँगी ना तो नेक्स्ट टाइम से उसी से मसाले निकालूँगी मैं। और ये है जाली, इसमें फ्रूट रखे या फिर रोटी रखे, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्योर उडन की है। और ये है वॉल स्टैंड, इसको ना हमने वॉशरूम में लगाने के लिए लिया है। वैसे ये ना वॉल है तो वॉल पे नहीं लगेंगी, ये टाइल्स पे लगती है, तो इसको टाइल्स पे लगाऊंगी। एक और लिया है छोटा सा, वो किचन के लिए, आगे बताती हूँ। और ये दो स्पून देखिए बड़े बड़े लिए, एक सालन का और एक चावल का, दोनों बहुत अच्छे लगे। क्या ना कभी कभार दावत होती है, ज़्यादा खाना बनता है, तो उसके लिए बड़े बड़े स्पून लिए हैं। मेरे पास पहले भी बड़े स्पून हैं लेकिन इतने बड़े नहीं है, सो मैंने अभी बड़े लिए। और ये चिमटा, पहला वाला चिमटा थोड़ा छोटा था और बहुत टाइट था, उससे कोई चीज़ पकड़ने में नहीं आती थी, इस बार मैंने बड़ा भी लिया और थोड़ा लूज़ लिया। और ये है कंटेनर, कलरफुल कंटेनर प्लास्टिक के, तो बहुत अच्छे है और बहुत मजबूत एंड टिकाऊ है, तो उसको मैं खोल नहीं रही हूँ। इंशाल्लाह कभी कुछ उसमें रखना होगा मसाले वसाले तो तभी खोलूँगी, तो तभी आपसे शेयर करूँगी कि वो कैसे कंटेनर है। और ये है इसके डैडी की पसंद का पॉट, पता नहीं इसको क्या बोलते, नहीं पता क्या रखते वो भी नहीं पता, लेकिन उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि अरे ले अच्छा लग रहा है। मेरी तरह उनको भी ना किचन की यूनिक यूनिक चीज़ें रखना लेना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरी तरह ही वो। और ये देखिए ना इसको प्रेस बटन दिया हुआ है कुछ ऐसा, मतलब प्रेस करेंगे ना फिंगर से तो खुल जाता है। टिश्यू पेपर लिया, और ये है इको बैग, आपको तो पता ही ये बहुत यूज़ होता है, ये एयर फ्रायर में डालो और इसमें कोई भी चीज़ फ्राई कर लो तो अपना एयर फ्रायर ख़राब नहीं होगा। और ये है डोसे का फ्राई पैन, पहले का मेरा ख़राब हो गया, ऐसा ख़राब हो गया कि पूछो ही मत, उस पर चिपकते हैं डोसे, तो इसके लिए मेरे को नया लेना पड़ा। और ये है ब्रश, बहुत काम का है, सोफे पे बाल वाल हो गए, मैट्रेस पे बाल वाल होंगे तो बस ऐसा झाड़ लो और बाल इसमें अटक के आ जाएंगे, तो इसके लिए मुझे लेना हुआ ब्रश। और ये देखो इस सेम वॉल पे लगाने वाली लिए, मतलब कि टाइल्स पे, ये किचन में लगाऊंगी मैं। और ये है सॉस वॉस निकालने के लिए, चटनी वटनी निकालने के लिए, ये छोटे छोटे से स्टैंड वाले मैंने प्लेट्स ली, पता नहीं प्लेट्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये है बटरफ्लाई, इसको ना मैं फ्रिज पे लगाने वाली हूँ, तो बताऊंगी कैसे लगाने वाली हूँ। तो अगला क्या है, हाँ अगली है प्लेट, ये प्लेट मैंने रेड एंड ब्लैक लिए, एक ही लिए मैंने, और ये दो लिए, दो पीस लिए, इसके डैडी बोल रहे थे छः छः ले ले, मैं बोली नहीं 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 क्या करने का, ऑलरेडी इतनी सारी डिनर सेट पड़ी हुई है, यूज़ में आती नहीं है, कभी कभार ही मेहमान हो आए तो निकालती हूँ मैं, घर के लिए तो दुनिया के बर्तन पड़े हुए हैं। तो मैं ना क्या करती हूँ कि वीडियो वीडियो बनाती हूँ ना, उसमें कलर्स कलर्स में ना मुझे प्लेटें चीज़ें लगती है, तो बस इसके लिए ना मैं सिंगल सिंगल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में ना चीज़ें लेती हूँ, ताकि हर बार कुछ नया लगे मेरे व्यूअर्स को। बस इसके लिए अलग अलग प्लेट्स ली हूँ मैंने। और फिर ये थी मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग, मेरी ज़रूरत की चीज़ें, आई होप कि आपको मेरी चॉइस पसंद आई होगी और मेरी शॉपिंग भी। तो चलिए फ्रिज पे लगाते हैं बटरफ्लाई। तो कलर्स में थी, और कलर्स भी बहुत लेटेस्ट में थे, मतलब स्टाइलिश कलर है, लाइट कलर है, तो चलिए लगाते हैं। मुझे नहीं पता मैं ठीक लगा रही हूँ या नहीं, लेकिन जैसा मुझे समझा वैसे मैं बटरफ्लाई लगा रही हूँ। ने देखे कुछ ऐसे लगा रही हूँ मैं, मेरे को ऐसे ही समझ में आया तो सोचा कि चलिए ऐसे ही लगाती हूँ। ये ना इस पर फ्रिज का देखिए लेबल लगा हुआ है, माशाल्लाह 6 से 7 साल हो गए फ्रिज को, लेकिन ये लेबल है ना निकलता ही नहीं, इतना पक्का चिपक गया है ना क्या बताऊँ, लेकिन इसको मैं निकालूँगी, बहुत गंदा लग रहा है मुझे, ये बटरफ्लाई लगाई तो और ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो ये देखिए ये है किचन में लगाने वाला वॉल स्टैंड, तो इसको ना टाइल्स पे लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पर लगाया है, और प्लेटफॉर्म से कुछ इतना डिस्टेंस रखने वाली हूँ मैं, ये देखिए आप बताती हूँ, हाँ मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए कुछ इतना रखा हुआ है, इसमें क्या रखूँगी अभी फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन रखूँगी ज़रूर, तो आपको बताऊँगी भी। आई होप कि मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरी शॉपिंग पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।